उर्वशी जी, हम आपकी ऐसी तस्वीर बनाएंगे कि इस तस्वीर को देखकर अच्छे अच्छे कलाकार हमारे पैर पकड़ लेंगे। छोड़िए। हाँ, हमें अपने पैर छुड़ाने के लिए यही कहना पड़ेगा, छोड़िए छोड़िए छोड़िए। हमारा मतलब है बातें बनाना छोड़िए और जल्दी से हमारी तस्वीर बनाइए। हमें नृत्य का अभ्यास भी करना है। सलीम भाई साहब क्या है? अरे सलीम भाई साहब, विक्रम सिंह है ना, जिसकी आपने कल तस्वीर बनाई थी, अरे उसका पैर फिसल गया और सर फट गया। क्या? पैर फिसल गया तो सर कैसे फट सकता है? हाँ, बात तो सही कह रहे हो आप। अरे सलीम भाई साहब, वो छोड़ो, एक और सनसनीखेज खबर सुनाता हूँ आपको। मुझे पता है कि आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आपको याद है अब्बू फजल की भी तस्वीर आपने ही बनाई थी। अरे सलीम भाई साहब, वो बेचारा घोड़े पे चढ़ने जा रहा था, लेकिन उससे पहले उस पे ही घोड़ा चढ़ गया। बहुत हालत खराब है उसकी भी। ये तो बहुत ही गलत हुआ। अरे कल ही तो हमें दरबार में मिले थे और फिर अचानक ये हो गया। अरे उर्वशी जी, अचानक नहीं हुआ। सलीम भाई साहब जिस जिसकी भी तस्वीर बना रहे हैं ना, उसके साथ हादसा हो रहा है। पहले विक्रम सिंह और अब ये अब्बू फजल। अरे सलीम भाई साहब, वैसे उर्वशी जी की तस्वीर पूरी हुई क्या? नहीं, छोड़िए। हाँ बासु, ऐसी अफवाहें फैलाना छोड़ दे, हमें उर्वशी जी की तस्वीर पूरी करने दे। नहीं नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि हमारी तस्वीर बनाना छोड़िए। क्या? लेकिन आपकी तस्वीर तो बस पूरी होने वाली है, ये हो गई पूरी। ये देखिए उर्वशी जी, आप जितनी खूबसूरत हैं, हमने उससे भी ज्यादा खूबसूरत बनाया है आपको अपनी तस्वीर में। छोड़िए। हाँ उर्वशी जी, चलिए मेरे साथ, मैं आपको आपके कक्ष तक छोड़ देता हूँ। चलिए। अरे अरे उर्वशी जी, बासु। हमें लगा था कि उर्वशी जी हमारी तस्वीर देखकर खुशी से चीखेंगी और हमें गले लगा लेंगी। खुशी से चीखी। कहीं वासु को तो गले नहीं लगा लिया? उर्वशी जी, क्या हुआ? क्या हुआ? शाही खून है हम। हमारी बनाई हुई तस्वीर जमीन पे कैसे गिर गई? अरे वो सलीम भाई साहब, उर्वशी जी ने मुझे कहा छोड़िए, तो मुझे लगा कह रही है तस्वीर छोड़िए, तो मैंने तस्वीर छोड़ दी। नृत्य कर रही है ऐसे? ये हम नृत्य नहीं कर रहे, हमें चोट लग गई है, ये तस्वीर हमारे पैर पर गिर गई। और हम आपसे कह रहे थे छोड़िए, हम खुद ही चले जाएंगे, पर आपने तो ये। उर्वशी जी आप फिक्र मत करिए, नायाब हुनर है हम में, हम आपके लिए दूसरी तस्वीर बना देंगे। अरे तस्वीर बनाना छोड़िए और हमें अपने कक्ष तक छोड़िए। आइए उर्वशी जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं वासु, उर्वशी को तुम्हारी वजह से चोट लगी है, इसलिए उर्वशी को हम छोड़ कर आएंगे। आइए। अरे सलीम भाई साहब, आपकी तस्वीर बनाने की वजह से इनको चोट लगी है, मैं छोड़ के आऊंगा इन्हें। हम छोड़ कर आएंगे। सलीम भाई साहब, गलती आपकी है, तस्वीर आपने बनाई है, मैं छोड़ के आऊंगा उर्वशी। हम छोड़ कर आएंगे। सलीम भाई साहब, आप समझते क्यों नहीं हो बात को? मैं छोड़ के आऊंगा तो मैं छोड़ के आऊंगा। आपकी वजह से उर्वशी को चोट लगी है। तेरी वजह से उर्वशी को चोट लगी है, ना तो तस्वीर छोड़ता, ना उर्वशी को चोट लगती, इसलिए उर्वशी को हम छोड़ कर आएंगे। अरे सलीम भाई साहब, आपकी वजह से उर्वशी को चोट लगी है, ना आप तस्वीर बनाते, ना मैं तस्वीर छोड़ता, और ना उर्वशी को चोट लगती, इसलिए मैं उर्वशी को छोड़ के जाऊंगा। बार बोल। अरे सलीम भाई साहब, ना सलीम भाई साहब, मारते क्या हो सलीम भाई साहब? उर्वशी को हम छोड़ कर आएंगे, हम छोड़ कर आएंगे, हम छोड़ कर आएंगे, हम छोड़ कर आएंगे, हम छोड़ कर आएंगे। क्या हुआ? शाही खून है हम, तूने उर्वशी को छोड़ दिया और हमें पता भी नहीं चला। ओ सलीम भाई साहब, कमाल की बात तो यह है कि मैंने उर्वशी को छोड़ा और मुझे ही नहीं पता। बोलो वासु, तूने हमारी कला की बुराई की है, इसलिए ऐसा हुआ है। नहीं 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 सलीम भाई साहब, मैंने आपकी कला की बुराई नहीं की है सलीम भाई साहब। अरे मुझे पता है कि ऊपर वाले ने आपको नए नायाब हुनर के साथ नवाजा है सलीम भाई साहब,
आप जिसकी भी तस्वीर बनाओगे उसकी हालत बिगड़ जाएगी। हाँ सोचो सलीम भाई साहब, सोचो आप इस कला से कितना फायदा उठा सकते हो, कितना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। सलीम भाई साहब दिमाग। इस पूरे महल में अगर कहीं चैन और सुकून हमें मिलता है तो वो यही है, बस यही। अब्बा हुजूर, आपको यकीन नहीं होगा कि ऊपर वाले ने हमें एक आला हुनर से नवाजा है। ऊपर वाले ने अगर आपको थोड़ी सी अकल से नवाजा होता तो हमें ज्यादा खुशी होती। अब्बा हुजूर, अगर आप सुन लेंगे कि ऊपर वाले ने हमें कौन से खास हुनर से नवाजा है तो आप भी हमारी इज्जत करने लगेंगे। हम सुनना तो नहीं चाहते, लेकिन फिर भी अगर हम ना कहेंगे फिर भी आप हमें सुनाएंगे तो सही, तो सुनाइए। रुकिए, तो सुनिए अब्बा हुजूर, हमारे अंदर एक खास कला है, खतरनाक कला है कि हम जिस भी इंसान की तस्वीर बनाते हैं उस इंसान के साथ कोई ना कोई दुर्घटना या हादसा होता है, उसे चोट लग जाती है। अब्बा हुजूर, तो जाहिर सी बात है, आप किसी की तस्वीर बनाएंगे तो उसके दिल को चोट तो पहुंचेगी। हंस लीजिए अब्बा हुजूर, हंस लीजिए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम बहुत जल्द मुगलिया सल्तनत संभालेंगे। आपको दुश्मन देश पर फतेह हासिल करने के लिए लाखों सिपाही, हजारों घोड़े हाथी लगते हैं, तब जाकर आप अपनी तलवार उठाकर दुश्मन देश पर कब्जा करते हैं। लेकिन हम सिर्फ रंग और कूची उठाएंगे और दुश्मन देश को फतेह कर देंगे। ये तस्वीर बनाई, ये दुश्मन गया, ये तस्वीर बनाई, ये दुश्मन गया। अब्बा हुजूर, आप हमें एक मौका दीजिए ना। नहीं नहीं, आप हमें माफी दीजिए ना। अब्बा हुजूर, हम आपको अपनी कला का नमूना दिखा सकते हैं। देखिए, हम कई सालों से अपनी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा सा नमूना देख रहे हैं, हमें और कोई नमूना नहीं देखना है। अरे कला का मतलब भी पता है आपको? अगर आपको कला देखनी है तो आप थोड़ी देर में दीवाने खास में आइए। हमने एक बहुत मशहूर बहरूपिये को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया है, उसे कहते हैं कला। एक नमूने को एक सच्ची कला का नमूना देखने का मौका मिलेगा, आइएगा जरूर। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद। प्रणाम बादशाह। आइए आइए बहरूपिये, आइए, हमारे दीवाने खास में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आपकी कला के बड़े चर्चे सुने हैं हम। आज हम चाहते हैं कि आप अपनी इस कला का प्रदर्शन यहाँ हमारे सामने हमारे दीवाने खास में करें। जहांपनाह, आपने इस नाचीज को इस काबिल समझा, हम अपनी कला का प्रदर्शन जरूर करें, मगर हमारी एक शर्त। कैसी शर्त? जहांपनाह, हमारी कला खतरनाक है, उसमें कोई दुर्घटना हो सकती है। हमारी शर्त यह है कि हमारी कला के प्रदर्शन के वक्त अगर कोई दुर्घटना हुई या किसी को चोट पहुंची तो हमें इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। माफ कीजिएगा बहरूपिये जी, हम कुछ समझे नहीं। आप ऐसी कौन सी कला पेश करने वाले हैं जिससे दुर्घटना हो सकती? राजा बिरबल, हम शेर का स्वांग करेंगे जो हमारे अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं कर सकता, और हमारा दावा है कि आपके दरबार का सबसे बुद्धिमान मंत्री भी हमारे कला के रहस्य को उजागर नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, हम आपको जान की अमान देते हैं, कल आप अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और हमारे दरबार का सबसे बुद्धिमान इंसान बीरबल आपकी कला का रहस्य उजागर करके दिखाएगा। शुक्रिया जहांपनाह। जहांपनाह, हमें इस बहरूपिये में कोई भेद लगता है। लगता है? जहांपनाह, हमें तो लगता है कि हमारे साहसी बीरबल जी बहरूपिये के शर्त से घबरा गए हैं।
बलदेव जी, गलत वक्त पे साहस दिखाना मूर्खता होती है, और इंसान साहसी हो ना हो मूर्ख नहीं होना चाहिए। अरे वाह वाह बीरबल, क्या कमाल की बात की है आपने। जापना, हम तो ये सोच रहे थे कि किसी भी कला प्रदर्शन में खतरा कैसे हो सकता है। मुझे पता है बीरबल जी, जैसे सलीम भाई साहब जिसकी भी तस्वीर बनाते हैं उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। जैसे उन्होंने उर्वशी की तस्वीर बनाई, उर्वशी के पैर में चोट लग गई। वासु, हमें यकीन नहीं है। उर्वशी के पैर में जो चोट लगी वो महज इत्तफाक भी तो हो सकता है। अच्छा, तो आपको भी हमारी नायाब कला पर यकीन नहीं है? तो ठीक है, आप हमसे अपनी तस्वीर बनाकर देखिए, फिर देखिएगा कि आपके साथ क्या क्या होता है। क्यों नहीं शहजादे सलीम, हम आपसे अपनी तस्वीर जरूर बनवाएंगे, लेकिन आज नहीं, आज हमें कुछ काम है। हम उस दिन आपसे अपनी तस्वीर बनवाएंगे जिस दिन पूरा चांद निकलेगा। चलिए, बहुत बन गई तस्वीरें, तकलिया। मामूजान, ये पूरा चांद किस दिन निकलेगा? कभी नहीं। क्यों? भला दिन में कभी चांद निकलता है? अरे फतना, अरे सीधा खड़ा रहे। बीरबल जी हमें दिन में चांद की पहेली में उलझा के चले गए। उन्हें शक है कि हम बेवकूफ हैं। हम बेवकूफ बिल्कुल नहीं है मामूजान। अरे हटना, आपको क्या लगता है कि हम बेवकूफ हैं? हमें पूरा यकीन है कि आप बेवकूफ हैं। क्या? ऐसा बीरबल जी कहते हैं, लेकिन आप हैं नहीं। वही तो, शाही खून है हम। हम बीरबल जी को यकीन दिला के रहेंगे कि हमारी कला में फौलादी ताकत है, लेकिन कैसे? मामूजान, आपको क्या लगता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। हमें तो लगता है कि जहां पना हमें बुला रहे। अरे, अरे मामूजान, अरे। मुझे पता है सलीम भाई साहब, पूरी रियासत की तरह पिताजी भी आपको बेवकूफ समझते हैं। सबसे पहले इन्हीं की तस्वीर बना दीजिए, एक बार गिरेंगे ना, खादा दांत बार टूटेंगे ना, तब इनको पता चल जाएगा सलीम भाई साहब कि आपकी कला में कितना हुनर है, क्या नायाब है आपकी कला। वो तो ठीक है, लेकिन पूरी रियासत हमें बेवकूफ समझती है। हम पूरी रियासत की तस्वीर बना देंगे। अरे सलीम भाई साहब, रुको। सलीम भाई साहब, अरे उसके लिए तो बहुत सारा कपड़ा और रंग आयात करवाना पड़ेगा, और ये खबर हवा की तरह फैल जाएगी, फिर पड़ोसी देश वाले, सारी दुनिया, सारा आवाम, सब आपको बेवकूफ समझेंगे। कितना सोचता है हमारे बारे में। ठीक है, अब तो हम बीरबल जी की ही तस्वीर बनाएंगे। उनके साथ दुर्घटना होते ही हमारी कला के चर्चे दूर दूर तक फैल जाएंगे, और हमें पूरा यकीन है कि बीरबल जी के साथ कोई ना कोई दुर्घटना तो जरूर होगी। छोड़िए। उर्वशी, क्या कह रही हो? तानसेन से संगीत छोड़ने को कह रही हो? अरे हम तो कह रहे हैं ये दुखी राग गाना छोड़िए और कोई खुशनुमा राग गाइए। और मित्र तानसेन, कैसे हैं आप? वाह वाह वाह, चोट हमें लगी है और आप इनसे पूछ रहे कैसे हैं आप? माफ कीजिएगा उर्वशी, लेकिन हम व्यस्त हो गए थे। वैसे हमें हमेशा आपकी फिक्र रहती है। चलिए अब बताइए, उर्वशी कैसी हैं आप? अभी हम ठीक हैं। मित्र तानसेन, हम आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने आए थे। आप तो कई सारे महफिलों में गए, ये बताइए कि किसी बहुरूपिये के कला प्रदर्शन के वक्त क्या कभी कोई दुर्घटना हुई है? मित्र बीरबल, आपने कभी रोटी के तवे पे पापड़ सेका है? अरे दुर्घटना की तो जाने दीजिए, हमने आज तक बहुरूपिया ही नहीं देखा है। मित्र तानसेन, आप अपना पापड़ सेक, मतलब आप अपना रियाज जारी रखें।
अपनी रोटी हम खुद सेक लेंगे। कमाल का माहौल बनाया है, घना जंगल जहां पर एक बब्बर शेर भी है, साथ में एक लोमड़ी भी है। वाह, क्या कमाल का स्वांग रचा है आप। हम आपका नाम पूछना तो भूल ही गए, नाम क्या है आपका? बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद। जहां पना आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि मुझे अपने कला के नाम से जाना जाए। यह भी ठीक है, वैसे भी हमें आपके काम में ही दिलचस्पी है। जहां पना इजाजत हो तो मैं अपनी कला का प्रदर्शन शुरू करूं। प्रदर्शन शुरू किया जाए।
हटिए राजा दरबान शाही हकीम को बुला कर लाइए। और आप लोग देख क्या रहे हैं, अपने कक्ष में लेकर जाइए बीरबल को, लेकर जाइए, लेकर जाइए। चलो 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 ले जाओ इस आदमी को और कैद खाने में डाल दो। लेकिन जहां बना, मैंने आपको पहले ही आगाह किया था कि कोई हादसा हो सकता है, और आपने ऐसे कैसे भी सूरत में मैं जान की अमान दी थी। छोड़ दो इसे। हमने आपसे वादा किया था इसलिए हम आपको गिरफ्तार नहीं कर रहे। जब तक बीरबल पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती और जब तक इस मामले की पूरी तरह तहकीकात नहीं हो जाती, आप हमारी रियासत छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। सुना आपने, कहीं नहीं जा सकते। नजर रखिए इन पे। चले। वासु, हमें पता चल गया कि हमारी कला कितनी खतरनाक है। हाँ सलीम भाई साहब, मुझे तो शुरू से ही पता चल गया था कि बंदर के हाथ तलवार लग गई है। लेकिन बंदर के हाथ में तलवार कैसे लग सकती है? अभी तो हमने बंदर की तस्वीर भी नहीं बनाई। हाँ बंदर, अरे सलीम भाई साहब, ये बंदरों वाली बातें करना छोड़िए, अब आप बादशाह बनने वाले हैं सलीम भाई साहब, बादशाह। लेकिन हाँ, ये मत भूलना कि आपके इस नायाब हुनर को सिर्फ मैंने ही पहचाना था, मैंने ही आपको बताया था ना सलीम भाई साहब। सलीम भाई साहब, जब आप बादशाह बन जाओगे तो आप मुझे महामंत्री बना दोगे ना? शाही खून है हम, वैसे तो हम बहुत ही बुद्धिशाली है, हमें किसी भी मंत्री शंत्री की कोई जरूरत नहीं है। वैसे वासु, तुम भी हमारे बुद्धि स्तर के हो, इसलिए हम तुम्हें अपना महामंत्री बना देंगे। अब भांजे, आपने हमें बुलाया था? मामूजान, आपको भांजे ने नहीं, इस पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली बादशाह ने बुलाया है। ओ, लेकिन वो गधा दरबान कह रहा था कि आपने बुलाया। अच्छा, हमें बादशाह अकबर ने बुलाया, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें जाना होगा। ओ मामूजान, आपको हमने ही बुलाया है, हम अपनी ही बात कर रहे थे। किस लिए? हम आपको एक ऐसी चीज दिखाएंगे जिसे देख के आप हैरान हो जाओगे। अच्छा, हाँ दिखाओ। वासु, अरे तस्वीर। ओ बोलो ना। ये देखिए पिताजी, ये दिमाग। मामूजान, इस तस्वीर को देख के आपको क्या लग रहा है? ये भागती हुई चुड़ैल कौन है? अरे मामूजान, ये बीरबल जी है। बीरबल जी? हाँ। पता है आपको, सलीम भाई साहब ने बीरबल जी की तस्वीर बनाई, उनके साथ दुर्घटना हो गई। अरे और तो और, सलीम भाई साहब जिसकी तस्वीर बनाते हैं उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। सबसे पहले विक्रम सिंह, और वो अब्बू फजल, फिर उर्वशी जी, फिर बीरबल जी। अरे चुड़ैल पूरे महल में भागती रहेगी तो दुर्घटना तो होगी होगी, लेकिन तस्वीर का दुर्घटना से क्या मतलब? मामूजान, अभी आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, अभी हम आपकी तस्वीर बनाएंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि तस्वीर का दुर्घटना से क्या ताल्लुक है। भांजे, रहने दो, बादशाह अकबर हमें बुला रहे हैं, हम आते हैं। अरे नहीं नहीं पिताजी रुको, बहुत मजा आएगा, मैं बता रहा हूँ। तुम दोनों एक दूसरे की तस्वीर बनाओ, तब तक मैं आता हूँ। अरे अरे मामूजान, रुकिए रुकिए रुकिए। ये मामूजान भी अजीब है, हमने बीरबल की हूबहू वैसे ही तस्वीर बनाई, लेकिन ये तब भी उन्हें पहचान नहीं पाए। हाँ पिताजी, तो आईने में कभी कभी अपने आप को नहीं देख के पहचान पाते, तो बीरबल जी की तस्वीर क्या देख के पहचानेंगे। चल वासु, क्यों ना हम तेरी तस्वीर बनाए। नहीं सलीम भाई साहब। अरे
कैसी तबीयत है अब शाही हकीम जी? जहाँ पना बस थोड़ी खांसी है, जुकाम एकदम दुरुस्त है, बाकी सब ठीक है। हम आपकी तबीयत की बात नहीं कर रहे हैं शाही हकीम जी, हम बीरबल की बात कर रहे हैं। जहाँ पना इनकी हालत बहुत नाजुक है, कोई भी दवाई असर नहीं कर रही है, इनके दुरुस्त होने की उम्मीद बहुत कम है। अजी छोड़िए। ऐसे कैसे उम्मीद छोड़ दे? नहीं जहाँ पना, हमारा मतलब है कि इस तरह नाउम्मीदी की बातें करना छोड़िए। बीरबल जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हम सबकी दुआ उनके साथ है। हमें भी पूरी उम्मीद है कि बीरबल जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे, जरूर हो जाएंगे। जहाँ पना की जय हो। ये क्या तरीका है बलदेव, कहाँ से आप मुंह काला करवा के आए हैं जो अपना मुंह छिपा रहे हैं? जहाँ पना, शहजादे सलीम हमारी तस्वीर बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने अपना मुंह ढक लिया है। बलदेव, हम आपको बहुत ही अकलमंद माना करते थे, लेकिन आप तो अकल से मंद निकले। अरे यहाँ पर क्या हो रहा है और आप क्या बातें कर रहे हैं? शाही हकीम जी को एक जड़ी बूटी की जरूरत है बीरबल की तबीयत को ठीक करने के लिए, और ये जड़ी बूटी का इंतजाम आप करेंगे। अब ये चाहे आपको पहाड़ों पे मिले, चाहे जंगलों में मिले, चाहे रेगिस्तान में मिले, चाहे समंदर के अंदर मिले, लेकर आप आएंगे। जो जहाँ पे ना हमें दौड़ना आता है, तैरना आता है, कूदना आता है, भागना आता है, मतलब सब कुछ आता है जहाँ पे ना। बीरबल का ठीक होना बहुत जरूरी है, सुना आपने हकीम जी? किसी भी तरह बीरबल को ठीक कीजिए। जी जापना जी। क्योंकि अकबर बादशाह बीरबल के बिना वैसे ही हैं जैसे रस के बिना गुल्ला। रसगुल्ला होता है ना, सफेद वाला, मीठा सा। अरे सलीम भाई साहब, मैंने आपकी कला की खबर पूरे राज्य में फैला दी। इतनी जल्दी? हाँ सलीम भाई साहब, मुझे पता है अगर कोई खबर फैलानी हो तो सुनने वाले को ऐसे सुनाओ जैसे कि ये बहुत बड़ी राज की खबर है, और उसे कह दो कि भाई किसी को बताना मत, बस तब वो सबको बताएगा। मैंने ऐसे ही दो लोगों को ये खबर बता दी, अब आगे उनका काम, दिमाग देखना सलीम भाई साहब। अब वो फरियादी यहाँ आते ही होंगे और उनके साथ ढेरों फरियादी आते होंगे, सलीम भाई साहब भीड़ लग जाएगी, भीड़। अब्बास। अरे बाकी के लोग कहाँ हैं? कौन से लोग वासु जी? अरे शहजादे सलीम की खबर बताई थी ना मैंने आपको, तो वो आपने सबको बताई होगी। हमने किसी को नहीं बताया, आप ही ने तो कहा किसी को मत बताना। शहजादे सलीम, हमने आपकी कला के बारे में सुना है, इसलिए हम आपके पास एक फरियाद लेकर आए हैं। बोलो फरियादी, क्या फरियाद है तुम्हारी? शहजादे सलीम, हम आपसे एक तस्वीर बनवाकर अपनी बीवी को तोहफे में देना चाहते हैं। वाह सुभान अल्लाह, अपनी बीवी से इतना प्यार? नहीं नहीं शहजादे, मैं तो उससे नफरत करता हूँ, मैं उसकी ही तस्वीर उसे तोहफे में देना चाहता हूँ। अब तुम बताओ फरियादी, क्या फरियाद है तुम्हारी, तुम्हें अपने लिए किसकी तस्वीर बनवानी है? शहजादे सलीम, हमने आपकी बनाई हुई तस्वीर तो देखी है, हमें बनाई हुई और कोई तस्वीर दे दीजिए जिसे हम बच्चों को दिखाएंगे और डराएंगे कि अगर दूध नहीं पिया तो ऐसे हो जाओगे। दफा हो जाओ तुम दोनों यहाँ से, नहीं तो हम तुम दोनों की तस्वीर बना डालेंगे, जाओ यहाँ से। आइए आइए उर्वशी जी, आपको किसकी तस्वीर बनवानी है? हम यहाँ पर तस्वीर बनवाने नहीं बल्कि अपनी नाराजगी जताने आए। आपने बीरबल जी की तस्वीर क्यों बनाई? अरे उन्हें सलीम भाई साहब की कला पर यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए बनाई। तो क्या यकीन दिलाने के लिए किसी को चोट पहुंचाएंगे आपके सलीम भाई साहब? आपको पता है बीरबल जी की हालत कितनी नाजुक है, और उसकी वजह से आपके अब्बा जान भी कितने उदास है। हमें माफ कर दीजिए उर्वशी जी, दरअसल हमें नहीं पता था कि उनके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। हम बहुत शर्मिंदा हैं। अब हम बीरबल जी के पैर पकड़ लेंगे। छोड़िए। नहीं, बीरबल जी जब तक हमें माफ नहीं करेंगे, हम उनके पैर नहीं छोड़ेंगे।
और वैसे आप क्यों रो रही हैं? हम तो एकदम सही सलामत हैं। हाँ, मैं भी एकदम सही सलामत हूँ। हम सही सलामत हैं। मैं सही सलामत हूँ। हम हैं। मैं हूँ। हम हैं। मैं हूँ। हम हैं। मैं हूँ। छोड़िए, यूँ हम करना छोड़िए और बीरबल जी के लिए दुआ कीजिए। हम भी मंदिर जा रहे हैं। उर्वशी जी, वासु, हमने उर्वशी जी को खुश करने के लिए तस्वीर बनाना शुरू किया था, लेकिन वो तो उल्टा नाराज ही हो गई हमसे। अब हमसे ये गलती हुई है और हम ही इसे सुधारेंगे, लेकिन कैसे? हाँ सलीम भाई साहब, मुझे पता है, ये दुर्घटना उसी बहरूपिया की वजह से हुई है ना। हम उसी बहरूपिया की ही तस्वीर बना देते हैं। शेर का जवाब सवा शेर। जरूर। अब्बा हुजूर, आप इस तरीके से उदास अच्छे नहीं लगते। तो आप हमें उदास होने का कोई और तरीका बता दीजिए, हम उस तरीके से उदास हो जाते हैं। मुझे पता है बापू, दूसरे तरीके से उदास होने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत जोर जोर से रोना पड़ता है, जैसे कोई मर गया हो। हाँ ये ठीक है वासु, ऐसा कर, पहले तू वैसे रो के दिखा। ठीक है भाई साहब, पहले आप मर के दिखाइए। अरे आप लोग क्यों मरने मराने की बातें कर रहे हैं यहाँ पर? आप लोग बाहर जाकर देखिए कोई दुखी तो नहीं है, और अगर आपको ऐसा कोई मिल जाए जो दुखी नहीं है, आप उसे दुखी कीजिए, क्योंकि हम पहले से बहुत दुखी हैं। अब्बा हुजूर, आप दुखी मत होइए, हम अभी आपके मनोरंजन के लिए तानसेन जी को बुलाकर लाते हैं। हाँ मुझे पता है पुपू, जब जब दुखी होते हैं तब तक उनको राग सुकुमनी सुनना बहुत अच्छा लगता है ना पुपू? अभी हम किसी से कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, अभी हम बस इतना चाहते हैं कि शाही हकीम यहाँ पर आए और हमें बीरबल के ठीक होने की खुशखबरी दें। जहांपनाह, शाही हकीम जी कैसे हैं बीरबल? जहांपनाह, राजा बीरबल। हाँ राजा बीरबल, क्या? राजा बीरबल अब हमारे बीच नहीं रहे। जहांपनाह, हमने बहुत कोशिश की लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? शहजादे सलीम, मुनादी करवा दीजिए कि राजा बीरबल अब हमारे बीच नहीं रहे। कल उनके पाक शरीर को आखिरी सलामी दी। बीरबल को आखिरी सलाम देने का वक्त आ गया है। आप में से जो भी बीरबल को एक आखिरी संदेश देना चाहते हैं, वो आगे बढ़ें और संदेश दें। बीरबल की याद में जन्म जन्म तक गाएंगे। बीरबल के व्यक्तित्व पर हम नया खुशी का राग जरूर बनाएंगे। दीजिए 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 ना। बीरबल जी, शाही खून है। हम जानते हैं कि हमारी खतरनाक कला की वजह से आज आप हमारे बीच में नहीं है,
हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। मुझे पता है बीरबल जी कि मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूं। बीरबल जी, बीरबल जी, बीरबल जी के साथ हमारी नोक झोंक थी और हम ये मानते हैं कि बीरबल जी का दिमाग हमसे ज्यादा चलता था। हम ये वादा करते हैं कि आज के बाद जहांपनाह को हम बीरबल जी की कमी महसूस नहीं होने देंगे। राजा बीरबल, मना कि आप बहुत अकलमंद हैं, लेकिन कभी कभी ज्यादा अकलमंदी भी इंसान को नुकसान पहुंचाती है। और बादशाह अकबर, आपने बीरबल की हर नाइंसाफी में उसका साथ दिया। जो आपको गुनहगार बनाता है, जिसका इंसाफ आज हम करेंगे। आपने बीरबल की हर नाइंसाफी में उसका साथ दिया। जो आपको गुनहगार बनाता है, जिसका इंसाफ आज हम करेंगे। क्या हुआ भैरूपिये, आप हमें जिंदा देखकर इतने हैरान क्यों हैं? हम तो हैरान नहीं हुए थे जब हमें पता चला कि आप कोई भैरूपिये नहीं बल्कि सदा आफ्ता रहमत खान। रहमत खान, रहमत खान, बीरबल ने साबित कर दिया है कि आपने बड़ी बेरहमी से मंगल डाकू का कत्ल किया। अब सजा सुनाने से पहले क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? ये कोई जुर्म नहीं है। मंगल सिंह एक डाकू था जिसका हमने कत्ल किया। ये कोई गुनाह नहीं है, इंसाफ है। ये इंसाफ क्या है और क्या नहीं, ये आप नहीं हम बताएंगे। बीरबल, आज इसकी सजा आप सुनाइए। जापना, हमारे हिसाब से रहमत खान को 5 साल के लिए देश निकाला दे दिया जाए। हुक्म की तामील हो। ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, ये हमारे साथ नाइंसाफी है। बीरबल, हम लौटेंगे और इसका बदला जरूर लेंगे। रहमत खान है जिसे राजा बीरबल ने देश निकाला की सजा सुनाई थी, जिसकी वजह से इतने साल मैं अपने गांव से दूर रहा, अपने जमीन से दूर रहा, अपने परिवार से दूर रहा, बर्बाद हो गया। तभी मैंने ठान ली कि मैं इस नाइंसाफी का बदला जरूर लूंगा। रहमत खान,
आपको पहली बार जब हमने देखा तभी हम समझ गए थे कि आप कोई भैरूपी नहीं बल्कि रहमत खान। फिर भी हम सुनिश्चित होना चाहते थे, जानना चाहते थे कि आपके मंसूबे क्या, इरादे क्या है आपके। पर इतना इल्म जरूर था कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो है, इसलिए खुद की सुरक्षा के लिए हम शस्त्रागार गए और सुरक्षा कवच ले लिया। अब आप समझे रहमत खान के आपके हमले का असर हम पे क्यों नहीं हुआ। और जो खून आपने देखा था वो दरअसल खून नहीं, लाल रंग था। आपके स्वांग का जवाब हमने अपने स्वांग से दिया, मरने का नाटक किया और देखिए आपके सारे मंसूबे, सारे इरादे सबूत बन के सबके सामने आ गए। तो क्या कर लोगे राजा बिरबल? मुझे फांसी की सजा सुना दोगे? सुनाओ, मुझे कोई गम नहीं क्योंकि मैं तब भी गलत नहीं था और आज भी गलत नहीं हूं। मंगल डाकू ने इतने सारे घर उजाड़े, इतने बच्चों को मारा, यहां तक कि मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया, हमें बर्बाद कर दिया और उसके बदले में हमने उनकी हत्या की, जो मेरी नजरों में कोई जुर्म नहीं है बल्कि इंसाफ है। तुम लोगों ने जो मेरे साथ नाइंसाफी की थी उसका बदला लेना भी इंसाफ है। आप तब भी गलत थे रहमत खान और आज भी गलत हैं। हर इंसान अगर इंसाफ के नाम पे खुद का बदला खुद लेने लगे तो दुनिया से इंसाफ मिट जाएगा, न्याय मिट जाएगा। याद रखिए, आग के बदले आप एक दिन पूरी दुनिया को अंधा कर देगा। दिमाग, इंतकाम से सिर्फ इंतकाम मिलता है रहमत खान, इंसाफ नहीं। हम मानते हैं कि मंगल डाकू ने आपके साथ बहुत बुरा किया तो आप जहां बना के पास आते ये इंसाफ करते, क्योंकि इंसाफ करना एक राजा का फर्ज ही नहीं अधिकार। अपनी गलत फहमी के चलते आपने अपनी जिंदगी के 5 साल बर्बाद कर दिए। बीरबल ने जो आपको देश निकाला की सजा दी वो सजा नहीं थी, बीरबल ने आपको मुआफ किया था, क्योंकि कानून को अपने हाथ में लेने के जुर्म में हम तो आपको सजाए मौत देने वाले थे। जी हां, ये सच है, आपने बीरबल को गलत समझा। इनके सर में जितनी अकल है उससे कई ज्यादा प्यार इनके दिल में है, और खुदा का इंसाफ देखिए, आज आप बीरबल के गुनहगार हैं और आज एक बार फिर बीरबल ही आपको सजा सुनाएंगे। सजा सुनाइए बीरबल। क्या बना, हम रहमत खान को माफ कर दें। हम नहीं चाहते जापना कि हम इनसे बदला ले, फिर इनके परिवार का कोई हमसे बदला ले और ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। जाइए रहमत खान, आपका परिवार आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रहा है। अब तो आपकी सजा भी पूरी हुई। सुना आपने, सुना, जिस आदमी पर आपने जानलेवा हमला किया, जिसकी जान लेने की आपने कोशिश की, वो इंसान आपको मुआफ कर रहा है। राजा बिरबल, बदले की आग ने मुझे अंधा कर दिया था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि मैं तब भी गलत था और आज भी गलत हूं। मुझे माफ कर दीजिए बादशाह अकबर, मुझे माफ कर दीजिए। जाइए अपने बच्चों के साथ जाके खेलिए।
शहजादे सलीम, किसी की कला किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपकी चित्रकला से जो भी हादसे हुए वो महज इत्तेफाक थे। किसी की कला किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन आपका व्यक्तित्व बहुत नुकसान पहुंचाता है, इसलिए संभालिए। बीरबल, आपको जिंदा देखकर हम कितने खुश हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आज हम आपको कुछ मीठा खिलाना चाहते हैं। ये लीजिए, गुलाब की पंखुड़ी। इसमें शक्कर डालिए, इसे पीसिए, फिर इसमें थोड़ी सी इलायची डालिए, गुलकंद बनाइए और खाइए मीठा।